लगे हुए हैं अभी तो काम है, मतलब गाड़ी वगैरह आई हुई है भाई के पास ना, तो ये इस गाड़ी में दोस्तों दोनों गाड़ियां लेके आए हैं, एक गाड़ी में सिर्फ राशन मतलब का जो फंक्शन है दोस्तों वो अलग अलग जगह पे है, मतलब भाई हाँ, क्या लाए? ये बर्गर हाँ। और तो क्यों है मिनी ब्लॉग डालते हैं। हाँ मिनी ब्लॉग आजकल जो ट्रेंड चला हुआ दोस्तों, तो मिनी ब्लॉग ये डालते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर, आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शानदार मौसम के साथ, खिली खिली सी धूप है चारों तरफ, लेकिन बीच बीच में जो है बादल आप देख सकते हो, लेकिन इनसे जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि खेती का काम भी अच्छा चला हुआ है, मतलब जो गेहूँ बची हुई थी काटने के लिए वो भी थोड़ी बहुत काट दी है और शाम तक आई थिंक ख़त्म भी हो जाएगी, और हल्के हल्के जो बादल है बारिश के ये धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन दो दिन से जो पिछले मतलब अच्छी खासी धूप निकली हुई है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है बारिश वाली। इतने दिन जो बारिश हुई दोस्तों, तो मौसम इतना ठंडा हो गया था कि मतलब गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे थे, लेकिन एक दो ही धूपें अभी निकली हैं, कल भी धूप थी थोड़ी बहुत, आज भी धूप है, तो मतलब हाफ टी शर्ट वाला टाइम आ चुका है दोस्तों। मतलब दोबारा जो दोस्तों मैं जा रहा हूँ बिंटू भाई की शॉप पर, और वहाँ पर जाने का रीज़न ये दोस्तों कि थोड़ा बहुत जो है सामान लेके आएंगे। पहले मैंने ब्लॉग में पिछले में बताया था कि गांव में जो है एक दो मतलब फंक्शन और हैं, तो वो बिंटू भाई के घर में जो है कल जागरण का आयोजन है और परसों धाम वगैरह बनेगी, तो जो सामान वगैरह वो आज इकट्ठा करेंगे और थोड़ी देर में उनके मतलब घर में मतलब गांव में जो है आजकल पानी नहीं आ रहा, इतनी बारिश हो रही है लेकिन फिर भी पानी की समस्या चली हुई है, तो थोड़ा बहुत उनको पानी भी पहुँचाएँगे अपने बोरवेल से, तो भी आपके साथ साझा करते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है पूरे दिन में। तो चलते हैं दोस्तों अभी उनके मतलब भाई की शॉप पर चलते हैं, सबसे पहले तो भाई शॉप पर गए हुए हैं अभी। तो अभी जो है मार्केट जाने से पहले जो ड्यूटी लगी हुई है दोस्तों वो ये है कि मतलब जो कपड़े कल राधा ने धोए थे तो सूखने डाल गई थी सुबह सुबह ही, क्योंकि आज अच्छी धूप लगी थी और कल शाम को धोए थे हमने तो सूखे नहीं थे उस टाइम पे, तो अभी जो है इनको उतार के नीचे रख के हम फिर जाएंगे मार्केट की तरफ। तो अभी जो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं विंटू भाई की शॉप पे, और विंटू भाई लगे हुए हैं अभी तो काम है, मतलब गाड़ी वगैरह आई हुई है भाई के पास ना, तो ये इस गाड़ी से फ्री होंगे तब चलेंगे भाई की एक्सेसरी की शॉप है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक वीडियो में, तो अभी थोड़ा बहुत टूर करवाएँगे आपको। तो यहाँ पे मतलब जितनी भी अपनी छोटी गाड़ियाँ होती हैं पैसेंजर, उनका जो है सस्त्री का काम किया जाता है। अभी दोस्तों मतलब ये जो मैटिंग हो रही है अल्टो 800 गाड़ी है इसमें की जा रही है, और मैटिंग मतलब कि इसके नीचे जो होता है कंपनी वाला कंबल जो है इसके नीचे लगा और उसके ऊपर ये मतलब रेगजीन की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे मतलब पानी वगैरह गिरता है गाड़ी में तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, मतलब कपड़े से साफ़ करो और ओके। तो ऐसा ऐसा काम अभी चल रहा है, तो यहाँ से फ्री होते हैं फिर चलते हैं भाई के साथ राशन लेने के लिए। आज जो दोस्तों मतलब दुकान से भाई ने ज़्यादा सामान बाहर नहीं निकाला, इसलिए दुकान जो है अंदर से मतलब सामान जो है अभी दिखा नहीं पा रहा आपको कि क्या क्या है। वैसे मतलब यहाँ पे जो है म्यूज़िक सिस्टम से लेकर ससुरी का जो भी काम है कमर्शियल मतलब पैसेंजर कमर्शियल नहीं पैसेंजर का वो किया जाता है, साथ में सीट कवर की फैक्ट्री है खुद ही बनाने वाली, मतलब खुद ही बनाते हैं ऑर्डर पे कोई भी, मतलब अगर आप डिज़ाइन चूज करो और आपको वो चीज़ मिल जाएगी, बाकी ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी दोस्तों, जैसे गैलियो ब्रांड हो गया और भी सोनी हरमन JBL ऐसे जो भी ब्रांड है उनका प्रोडक्ट्स भाई के पास मिलते हैं। तो अगर आपने आना होगा तो स्क्रीन के ऊपर मैं भाई का नंबर भी दे दूंगा, और मैक्सिमम लोग जो लोकल हैं दोस्तों वो तो जानते ही हैं मिंटू कार एक्सेसरी करके भाई की शॉप है डिंड में डिक्कर में साई मार्केट के पास। बाकी अभी भाई फ्री हो गए तो चलते हैं बीड़ा की तरफ। तो अभी जो दोस्तों दोनों गाड़ियां लेके आए हैं, एक गाड़ी में सिर्फ राशन मतलब दाढ़ी वगैरह डाल रहे हैं क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरी गाड़ी में जाएंगे चावल, तो 200 के जी प्लस तो चावल ही हैं और बाकी दाढ़ी दूड़ी हैं, तो अभी दिलवाते हैं फिर चलते हैं घर की ओर। अभी जो है दोस्तों राशन से आते आते जो है मतलब एक जगह पर रुके हैं हम, यहाँ पे पिए हैं गन्ने का जूस, और ये जगह है कसौती पुल के पास, और भाई ने बहुत अच्छा जूस बनाते हैं ये, अगर आप भी यहाँ से कभी क्रॉस होते हो तो जूस पी के मतलब एक बार ट्राई जरूर करना, छोटा मिलता है आई थिंक और मतलब गन्ने का जूस मिलता है, साथ में नारियल पानी का भी मतलब यहाँ पे काउंटर सा बना हुआ है,
काफी जूस वगैरह पीते हैं और फिर चलते हैं आगे घर की तरफ। अभी वापस जो है विंडो भाई की शॉप पे तो पहुंच गए हैं राशन लेके। अभी जाना है हमने गांव में, लेकिन पहले बैल देखो दोस्तों, बाकी जितने भी बैल है ना दोस्तों देखो अभी इसके साथ साथ आगे खड़े हो रहे हैं, तो वो तो मतलब इसके सामने बच्चे लग रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल साइज के हैं दोस्तों। और अमूमन ऐसे ही बैल हमने देखे हुए हैं, और ये तो भाई अलग ही स्वैग है इन भाई साहब का, नंदी बैल जी का। तो दोस्तों आप हाइट का अंदाजा भी लगाओ, मतलब एक गाड़ी से ऊंचा है और दूसरे तो गाड़ी के आगे दिख भी नहीं रहे। एक्सपर्ट ड्राइविंग स्किल चाहिए भाई यहाँ पे गाड़ी निकालने के लिए। जो दोस्तों घर पे जो था राशन वगैरह उतार आए हैं, और बाकी मतलब कल जाग रहे हैं तो कल खाना जो शाम को बनेगा तो थोड़ा बहुत ही काम है आज। तो अभी फिर से भाई की शॉप पे आए हैं, और यहाँ पे अभी फिर से मतलब अगली नेक्स्ट गाड़ी का काम आ गया, स्विफ्ट डिज़ायर। तो इसमें भी मैटिंग डलेगी, और मतलब उसमें डली थी ब्लैक कलर की ना, उसमें डली क्रीम कलर की, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है दोस्तों वो क्रीम कलर का है, 20 कलर बोल देंगे ना, 20 कलर कल 20 कलर है। तो ये ऐसा मैट आता है देखो, ये पूरा गंदा हो गया सारा ना, तो इसके ऊपर अभी क्रीम कलर की वो डालेंगे मतलब मैटिंग, तो आपको दिखाते हैं इसके बाद। तो अभी जो दोस्तों ये देखो, ये क्रीम कलर की जो मैटिंग है ना ये बिछाई जाएगी, मतलब दोनों सेम ही कलर के हो जाएंगे फिर से, इंटीरियर भी और ये भी। तो अभी जो दोस्तों घर के पास हम पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले काम यही हो रहा कि पानी नहीं है तो पानी के लिए पाइपें बिछाएंगे, और भाई का घर है गांव के बीच में बिल्कुल जाके, तो वहां के लिए मतलब पहले और मतलब दो पाइपें पहले लगाई हैं, दो अभी नई लेके आए हैं, चार। तो अभी और देखते हैं कि और कितनी पाइपें ज़रूरत पड़ती है, तो अभी यही काम चलेगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या काम निकल के आता है। तो बने रहें ब्लॉग में मेरे साथ दोस्तों। तो कल का जो फंक्शन है दोस्तों वो अलग अलग जगह पे है, मतलब भाई का जो घर है ना उसके आंगन जो है थोड़ा छोटा सा है, मतलब ज़्यादा मतलब मीडियम जैसा मतलब, तो वहाँ पे जो होगा जागरण का प्रोग्राम होगा, और साथ में एक और घर है ये, तो मतलब यहाँ पे होगा खाने पीने का प्रोग्राम, तो थोड़ा बहुत टेंट वगैरह यहाँ पर लगा, पानी यहीं पर भरेंगे थोड़ा बहुत रसोई के लिए, और यहाँ लगेगी रसोई जो हिमाचली कल्चर के हिसाब से लगती है। और भाई का घर जो है वो आगे है थोड़ा इससे भी आगे, हमारा घर जो है वो सामने ऊपर आके दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ जैसे है। और लोग जो अभी देखो मतलब बारिश का मौसम हो रहा है तो अपनी अपनी गेहूँ ढकने में लगे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक थ्रेशिंग नहीं करी है, कुछ लोग जो है वो काटने में लगे हुए हैं, तो ऐसा ऐसा काम जो चला हुआ है अभी भी। और अभी भाई के घर इसके बाद जाएंगे। अभी जो दोस्तों हम पानी भरने के लिए वहाँ पे पाइप हुई पे लगा रहे थे, और पानी भर रहा है, तो मतलब काम करते करते थोड़ा भूख वगैरह लग पड़ी थी, तो और मौसम भी आज वैसा वैसा थोड़ा ठंडा ठंडा है, तो हाँ क्या लाए, ये बर्गर और मोचे तो मोमो लाए दोस्तों, मोमो को ये समोसे बोलता रहता है ऐसे, और मोमो और बर्गर वगैरह है, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे फिर चलेंगे मिंटू भाई के घर पे, जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो निपटाते हैं, बाकी मेन काम जो होगा वो कल ही होगा। तो अभी हाय हेलो करवा देते हैं मैडम जी से भी, और मैडम जी ने भी अपना एक मतलब हेलो गाइस, तो राधा ने भी मतलब अपना एक चैनल है यूट्यूब चैनल पहले ही, तो उसके ऊपर जो है वो शॉर्ट ब्लॉग जो है मिनी ब्लॉग आजकल जो ट्रेंड चला हुआ दोस्तों, तो मिनी ब्लॉग ये डालते हैं, मतलब डेली का एक आता है मिनी ब्लॉग, तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो एक बार उस चैनल पे जाके भी आप उन ब्लॉग्स को जरूर चेकआउट कर। गरम गरम मोमो आ चुके हैं दोस्तों अभी, और साथ में आए बर्गर, तो मतलब भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा, और खाने वाले मैं और शिवाय राधा का आज फास्ट है वीरवार का, तो चलो स्टार्ट करते हैं शिवाय। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मतलब जो सामान आया ना, ये बेड शीट वगैरह आई है कल के लिए, उसके ऊपर खेल रहे हैं।
अच्छा।